अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्यारे दोस्तों, आजकल कुछ लोगों के जहन में ये भी सवालात होते हैं कि क्या जानवरों से जिना किया जा सकता है, जानवरों से बदफेली की जा सकती है, इस्लाम में इसके बारे में क्या है, हदीस पाक में इसके बारे में कोई मालूमात दी गई है या नहीं, या किन जानवरों से जिना किया जा सकता है और किन जानवरों से जिना नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हम आपको हर एक मालूमात देंगे, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाबात हमें मालूम नहीं होते और ऐसे सवालात के जवाबात जानने में हमें हया भी आती है। तो अब ऐसे सवालात के जवाब कैसे मिलेंगे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे अहम मालूमात पर वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि क्या जानवरों से जिना बदफेली की जा सकती है। दोस्तों, आजकल के नौजवान में शहवत बहुत ही ज़्यादा जागी हुई होती है। आजकल के नौजवान मोबाइल वगैरह में गंदे मनाजरात देखते हैं, गंदी वीडियोस, फोटो, तस्वीरें देखते हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत ही ज़्यादा शहवत जागी हुई होती है। और आजकल तो ये भी सुनने में आता है कि फला ने फला जानवर से बदफेली कर दी, फला शख्स ने फला जानवर से जिना कर दिया। तो ऐसे शख्स के बारे में इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम में इसके के बारे में क्या हुक्म है। दोस्तों, इस पर एक हदीस पाक है जो हम आपको बताते हैं। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स जानवर से बदफेली करे यानी जानवर से जिना करे, उस शख्स और जानवर दोनों को मार डालो। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, जानवर का इसमें क्या कसूर है? उन्होंने कहा, इसके बारे में इसकी निस्बत मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ नहीं सुना। अलबत्ता मेरा ख्याल है ऐसे जानवर का गोश्त खाना और इस जानवर से नफा उठाना यानी इसका दूध पीना या इसको बेचना मकरूह है। तो ऐसे जानवर और ऐसे शख्स को हदीस पाक में मारने का हुक्म आया है। और दोस्तों, जो शख्स जानवर से बदफेली या जिना करे वो हराम है और इसका आखरत में सख्त अजाब होगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या कोई ऐसा जानवर भी है जिससे बदफेली या जिना किया जा सकता है। तो ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जिससे आप बदफेली या जिना कर सकें। कोई भी जानवर हो, किसी भी जानवर से बदफेली या जिना करना हराम है। दोस्तों, अपने नफ्स को काबू में रखें और ऐसे गुनाहों से बचें। अल्लाह ताला हमको इन सभी गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और गंदे मनाजरात, वीडियोस, तस्वीरें वगैरह देखने से भी बचें। ये सब काम हराम है और नफ्स की ख्वाहिशात को हरगिज पूरा ना होने दे, वरना आप रोजे महशर अल्लाह तबारक व ताला और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे, उनके सामने किस मुंह से जाएंगे। तो ऐसे गुनाहों से बचें और ऐसे काम से बाज रहें। और दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट करके हमको, अगर आपके पास ऐसे ही कोई सवालात हैं, ऐसे ही कोई अहम मसले पर सवालात हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व ताला उस पर भी हम जल्द आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।